आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो में, क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, ये 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट इसका साइज है, इसे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल द यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। देखो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में यूज सेपरेट वेरिएबल एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब कि इसको सेपरेट करो और इसका इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ हमें। ठीक है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बहुत अच्छे से करेंगे, आप ध्यान से देखते चलो। ठीक है, आ जाओ, हम पहले से क्वेश्चन लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 है, एक्स का वैल्यू यहाँ से यानी सॉल्व करना है इस इक्वेशन से। तो आपको पता है, एक बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पहले समझा देते हैं आपको, कि जब माइनस रहता है या प्लस रहता है, प्लस पर पहले चलते हैं, प्लस रहता है और इक्वल की सेट जाएगा तो माइनस हो जाता है, जब प्लस रहेगा और इक्वल की सेट जाएगा तो माइनस होगा, जब माइनस रहेगा और इक्वल की सेट जाएगा तो प्लस होगा, जब मल्टीपल रहेगा और इक्वल की सेट जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाता है, और जब डिवाइड रहेगा इक्वल की सेट जाएगा तो मल्टीपल में हो जाता है। तो इन चार चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 गिवेन है, तो हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू करते हैं, इक्वल टू में क्या है 0, और ये माइनस वन है ना, इक्वल की सेट जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 और 1, ये 1 हो गया। ये देखो आपका आंसर, यानी एक्स का वैल्यू 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसका बी नंबर देखो, बी क्या है कि एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी सेम वैसा ही बनाएंगे, एक्स इक्वल टू क्या है 0 ना, तो 0, और ये प्लस वन है, इक्वल के साइड जाएगा तो चिन्ह यानी साइन चेंज होगा, माइनस में आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आ गया, 0 में से माइनस वन करेंगे माइनस वन। ठीक है, उसके बाद सी देखो, सी है आपका कि एक्स माइनस वन इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू करेंगे ये 5 है और ये माइनस वन है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो ये प्लस वन हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू हो गया 5 और 1 6 आपका आंसर। ठीक है, ये बहुत ईजी है, ध्यान से करोगे ना, इतना ईजी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, सी के बाद डी देखो, एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 2, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब ये देखो तो इसको क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ये 2 है और ये प्लस है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू आया यहाँ से माइनस 4 आएगा। ये भी याद रखिएगा कि जब प्लस और माइनस हो तो जिसका साइन ग्रेटर होगा यानी जो बड़ा होगा उसी का साइन यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे देखो प्लस 2 है, माइनस 6 है, तो 6 जो है बड़ा है ना, इसका साथ क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। ई देखो, वाई माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस 7 है तो माइनस 7, और ये माइनस 4 है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू ये देखो ये माइनस और ये प्लस, तो 7 में से 4 जाएगा ये 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन ग्रेटर का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, ई के बाद एफ देखो, ये है आपका वाई माइनस 4 इक्वल टू 4। ठीक है, वाई माइनस 4 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वाई इक्वल टू ये 4 और ये माइनस है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो
4 हो जाएगा। यहाँ से देखो वाई इक्वल टू 4, 4, 8 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलो एफ हो गया, अब हम जी को भी सॉल्व करते हैं। जी क्या है, वाई प्लस 4 इक्वल टू 4, वाई प्लस 4 इक्वल टू 4 है। तो ये देखो वाई इक्वल टू ये 4 और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कंप्लीट। जी के बाद आपका एक लास्ट इसमें एच है, वो क्या है कि y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4, वाई प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस 4 और ये प्लस है ना, इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा, और ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। जस्ट वही बात बोला है, इसको आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो क्वेश्चन है कि 3L इक्वल टू 42। अब देखो तो L में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, तो आपको बताया ना कि मल्टीपल करेगा इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड करता है, शुरू में ही बताया हमने। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं, L इक्वल टू हो जाएगा 42/3। इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी L का जो वैल्यू आया ये आ गया 14। ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब चलो बी नंबर, बी नंबर क्या है, बी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये देखो बी बाई 2 इक्वल टू 6 है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर जो b में 2 क्या कर रहा है, डिवाइड, तो इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो b इक्वल टू 6 इंटू 2 हो गया, तो b का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, अब c देखो, c क्या है, p बाई 7 इक्वल टू 4। ये देखो P में 7 क्या कर रहा है, डिवाइड, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो P इक्वल टू 4 इंटू 7, तो P का वैल्यू कितना हो गया 28। ठीक है, अब देखो D, अब D क्या है, 4x इक्वल टू 25 है। ठीक है, तो यहाँ से 4 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 25/4 हो गया आपका। इतना पर भी आंसर हो गया, नहीं तो आप चाहते हो कि इसको हम पॉइंट में डाल दें तो इसको डिवाइड करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन हम कहेंगे इतना ही पर छोड़ दो कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ई देखो, ई है कि 8y इक्वल टू 36। ठीक है, तो y में 8 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, ये कटेगा क्या, ये भी नहीं कट सकता, लेकिन इसको हम और छोटा कर सकते हैं, इसको हम 4 से कटाएंगे, 4 2 जा 8 और 4 से 9 टाइम्स, यानी ये 9/2 आंसर हो गया। ठीक है, e के बाद f देखो, f क्या है कि जेड बाई 3 इक्वल टू 5/4। ठीक है, जेड बाई 3 इक्वल टू 5/4 है। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसमें ये जो 3 है ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो इसे मल्टीपल कर देगा, और ये भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो देखो जेड इंटू ये डिवाइड कर रहा है, इक्वल की साइड लाएंगे तो ये भी क्या होगा, मल्टीपल, इक्वल टू 5 है, और ये क्या कर रहा है, मल्टीपल, डिवाइड, इक्वल के साइड जाएगा तो ये भी मल्टीपल करेगा, जो डिवाइड करेगा इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल ही करेगा, ये हो जाएगा 4z
इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये 15, तो जेड इक्वल टू 15/4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप पॉइंट में यानी डिसिमल में लिख सकते हो, लेकिन आपको हम कहेंगे इतना ही पर छोड़ दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आया। एफ के बाद जी है, जी क्वेश्चन है आपका कि ए बाई 5 इक्वल टू 7/15। ठीक है, तो देखो ये डिवाइड कर रहा है इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल, ये डिवाइड कर रहा है इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल, तो 15 ए हो जाएगा क्योंकि इसमें आकर मल्टीपल कर दिया, और 7 इंटू ये भी जाकर के मल्टीपल कर देगा, तो 15 ए इक्वल टू 35। ए में 15 क्या कर रहा है, मल्टीपल इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा 35/15। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से और डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 5 7 35, ए का जो वैल्यू आया वो आ गया 7/3। ठीक है, इसको भी डिवाइड करने का मन है तो डिसिमल में कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ दो। अब लास्ट है 20t इक्वल टू -10। ओके, तो एक 20 क्या कर रहा है टी में, मल्टीपल ना, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा -10/20, 10 2 20, यानी टी का जो वैल्यू आया -1/2 आ गया। ये देखो फाइनल आपका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 क्या बोला है, गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। वही सेम क्वेश्चन है कि 3n-2 इक्वल टू 42 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3n इक्वल टू ये 46 और ये माइनस इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू ये हो जाएगा 48। अब n में 3 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 48/3 हो गया। इसको डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा 3 1 3 3 6 18, यानी n का जो वैल्यू आया वो आ गया 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब b देखो, b है कि 5m+7 इक्वल टू 17। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5m इक्वल टू ये 17 और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से 5m इक्वल टू ये 10 हो गया। अब m में 5 क्या कर रहा है, मल्टीपल इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 10/5, 5 2 10, यानी m का जो वैल्यू आया वो आ गया आपका 2। ठीक है, उसके बाद सी क्वेश्चन देखो, सी है कि 20p/3 इक्वल टू 40। अब देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 20p और ये डिवाइड कर रहा इक्वल के साइड जाएगा तो क्या कर देगा, मल्टीपल, तो यहाँ से 20p इक्वल टू इसको मल्टीपल करेंगे तो 120। अब p में क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर दो, ये कितने टाइम्स में कटेगा, ये 11 टाइम्स में कट जाएगा, तो p इक्वल टू क्या आ गया, 11। ठीक है, अब एक लास्ट है इसका d, 3p/10। d है 3p/10 इक्वल टू 6। अब ये देखो ये 3p का 3p और ये क्या कर रहा है, डिवाइड, इक्वल के साइड जाएगा मल्टीपल कर देगा, तो यहाँ से 3p इक्वल टू ये 60 हो गया, और p में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा डिवाइड कर देगा, ये 20 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, p का वैल्यू जो है वो 20 हमारा आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी है, ये बोला है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन,
इस इक्वेशन को सॉल्व करना है फोर का फर्स्ट। ये आपका 10p इक्वल 100, ठीक है, यानी p का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले p इक्वल टू करेंगे 100, और एक क्या मल्टीपल कर रहा है ना, इधर अगर डिवाइड कर देगा, 10 10 जा 100, पी का वैल्यू 100 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट का ए था। अब बी देखेंगे, बी क्या है, 10p plus 10 equal to 100, ठीक है। अब ये देखो 10p equal to 100, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 10p equal to 90। अब p में 10 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 90 by 10, 10 9 जा 90, यानी पी का वैल्यू 9। ये देखो आंसर, ठीक है। अब सी देखो, सी क्वेश्चन है कि p/4 = 5। अब यहाँ क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर, इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो p = 5 × 4, तो पी का वैल्यू 20 हो गया, और ये हमारा आंसर, ठीक है। सी के बाद डी देखो, डी क्या है आपका क्वेश्चन कि -p/3 = 5, -p/3 = 5 है। अब इसको देखो, ये माइनस पी का पी, और ये डिवाइड कर रहा है इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल कर देगा, तो -p = 15 हो गया। अब ये माइनस इसमें लगाए ना, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, -15 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये मल्टीपल कर रहा है, मल्टीपल और डिवाइड में माइनस प्लस का साइन चेंज होता है, जोड़ और घटाव यानी सम और सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। डी के बाद ई देखो, 3p/4 = 6, तो यहाँ से 3p = क्या हो जाएगा, ये डिवाइड कर रहा है इक्वल के साइड जाएगा तो मल्टीपल, तो 3p = 24। अब p में 3 मल्टीपल कर इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 24/3, 3 8 जा 24, तो p = 8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के बातें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, e के बाद f, f आपका क्वेश्चन है कि 3s = -9, ठीक है, 3s = -9 है। s में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएंगे तो ये क्या कर देगा, डिवाइड, 3 3 जा 9, यानी s का वैल्यू आपका आ गया -3, ठीक है। e f g, g क्या है कि 3s + 12 = 0। यहाँ से देखो, ये 3s = हो जाएगा ये 0, और ये प्लस इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस, तो 3s = ये -12 हो जाएगा, और s में 3 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो -12/3, 3 4 जा 12, तो s = हो जाएगा -4 आपका आंसर, ठीक है, जी हो गया। अब h देखेंगे, h है आपका, h क्या है कि 3s = 0, 3s = 0। अब s = करेंगे, ये 0, ये मल्टीपल है, इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो s = हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। अब i देखेंगे, i क्वेश्चन है 2q = 6, अब q में 2 क्या कर रहा है, मल्टीपल, इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 2 3 जा 6, यानी q का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अब j देखो, j है आपका कि 2q - 6 = 0, अब यहाँ से देखो 2q = ये 0, ये माइनस कर जाएगा तो प्लस, तो
टू क्यूब इक्वल टू हो जाएगा ये 6, क्यूब में 2 क्या कर रहा है मल्टीपल इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 2 3 6 यानी क्यूब का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद जे, अब के देखो, जे के बाद के है आपका कि 2 क्यूब प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी सेम वैसा ही है, यहाँ से 2 क्यूब इक्वल टू ये 0 प्लस इधर जाएगा तो -6, तो 2 क्यूब इक्वल टू -6 तो क्यूब इक्वल टू -6/2 कटा दो ये 3, यानी क्यू का वैल्यू आ गया -3। कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि 2 क्यूब प्लस 6 इक्वल टू 12। लास्ट क्वेश्चन है कि 2 क्यूब प्लस 6 इक्वल टू 12, यही है ना। चलो इसको कैसे करेंगे, के बाद आई जे के एल है तो 2 क्यूब इक्वल टू ये 12 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 2 क्यूब इक्वल टू 6, क्यूब इक्वल टू 6/2 कटा दो 3 टाइम्स तो क्यू का वैल्यू 3 आ गया। आई होप कि आप लोग को एक्सरसाइज 4.2 समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी एक्सरसाइज था। और जो भी डाउट दिक्कत हो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, सर से बात कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी डाउट हो आप कॉल करके पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको शायद नंबर वंबर दिया गया होगा तो आप वहाँ से कॉल करके सर से बात कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपको सारा डिटेल बता दिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम आपके पास आ रहा होगा तो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मन लगा पढ़ाई करिए, अभी आप बहुत छोटे हैं 7th क्लास में हैं तो मेहनत करिए, आगे की पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, 7-8 अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे की पढ़ाई सारे इजी हो जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच।